हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबका। हाजिर हो गए हूँ आप सबके लिए एक ब्रांड न्यू टेक न्यूज़ की वीडियो लेके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को दबा दें, और हाँ कमेंट लाजमी करें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। तो दोस्तों व्हाट्सएप में मोस्ट वेटेड डार्क मोड आ चुका है। अब आप व्हाट्सएप में भी अपनी आंखों की बचत कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप मोड अगर आपको एक्सेस करने के लिए करना है कि व्हाट्सएप खोलिए, तीन डॉट्स पे क्लिक कीजिए और सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद थीम्स पे जाइए और वहाँ पे डार्क मोड ऑन कर लीजिए। ये बहुत अच्छा, ये जो डार्क मोड का एक ट्रेंड चला है उसके वजह से व्हाट्सएप ने पहले वेब ऐप पे जिस पे अपने डार्क मोड दिया, अब मोबाइल्स में भी डार्क मोड आ गया है। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है व्हाट्सएप की तरफ से। तो अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है ट्विटर की तरफ से। तो ट्विटर की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो कल जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं तो ट्विटर हैक हो गया था। ट्विटर हैक ऐसे हुआ था कि बड़े बड़े जो मिलियनेयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, रैपर थे अमेरिका के, उनके ट्विटर हैंडल हैक हो गए थे। ये बेसिकली एक स्कैम था, मनी स्कैम था। ये ट्वीट्स जो कर रहे थे वो ये थे कि आप मुझे 100 बिटकॉइन दो, मैं आपको 200 इन रिटर्न दूंगा। तो ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया था। बिल गेट्स का अकाउंट हैक हुआ था, इलॉन मस्क, उसके बाद जेफ बेजो, उसके बाद क्या नाम है उसका, कान्ये वेस्ट, काफ़ी मतलब बड़े बड़े, बराक ओबामा US के एक्स प्रेसिडेंट, उनका ट्विटर हैंडल तक हैक हो गया था। तो हम क्या चीज़ हैं। तो दोस्तों अपनी सेफ्टी रखें। तो हमारी कोई खैस है तो नहीं, पर ये था कि ये एक तरह का मनी स्कैम था कि लोगों से पैसे मांग रहे थे ट्वीट करके कि आप मुझे $10,000 दो, मैं आपको बदले में $10,000 दूंगा। ये आप ट्वीट्स देख सकते हैं। तो जो USA की सेनेट कमेटी है उन्होंने ट्विटर से इस इशू पर रिपोर्ट मांग ली है, ब्रीफिंग मांग ली है नेक्स्ट वीक। तो चलिए जो न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूँगा। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है Realme C11 की तरफ से। तो Realme C11 पाकिस्तान में 20 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। तो इसकी प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 16,999 रुपीज़ में ये लॉन्च होगा पाकिस्तान में। तो अगर आप इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हैं या लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फास्ट चार्जिंग की तरफ से। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि Realme लॉन्च कर रहा है 125 चार्जर, तो वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है 16 जुलाई को चाइना में। तो उसका नाम है 125W Ultra Dash Flash Charger। तो ये लॉन्च हो चुका है। तो ये प्रॉमिस करता है 33% चार्ज इन जस्ट 3 मिनट्स अगर आपकी 4000 mAh की बैटरी है। तो ये अगर फुल बैटरी की हम बात करें तो 20 मिनट में चार्ज करेगा 4000 mAh की बैटरी को। तो ये बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है। आपका इस चीज़ पे क्या ओपिनियन है, और देखते हैं हमें किस फ़ोन में मिलता है ये नज़र आता है। तो चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है Zenfone की तरफ से। Asus Zenfone 7 ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। तो दोस्तों ताइवान की NCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हो गया है। ये 512 GB के साथ स्टोरेज आने वाला है। तो अगर ये सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे हो गया है, लिस्ट हो गया है, तो मतलब ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही गया है। तो मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि Zenfone 7 आ रहा है, तो अभी ये कंफर्म हो गया है। Zenfone वही है जिसका पिछली बार जो आया था Zenfone 6, उसके पीछे से कैमरा आगे आ जाता है। तो ये काफ़ी बड़ी स्टोरेज के साथ आ रहा है। तो उसको ये कहा जा रहा है कि ये जो Asus ROG Phone 3 है इससे चीप होगा। तो देखते हैं क्या कितनी प्राइस टैग में आता है। तो जैसे कोई न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।